सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आज देश के ऊपर जिस तरीके की ताकतें आज सरकार बनाकर देश के अंदर राज कर रही हैं, आज संविधान को, उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, उसके ऊपर खतरा है। आज संविधान को कमजोर करने के लिए वो ताकतें काम कर रही हैं, और उन ताकतों के अंदर मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे सब परिवार के लोग बैठे हैं, समाज के लोग बैठे हैं, मैं लेकिन उन ताकतों के अंदर बाकायदा उनको चिन्हित करके भी, मैं नाम लेकर भी उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति बाहर जता सकता है, मैं उसके लिए उसका स्वागत करूँगा, लेकिन इस मीटिंग के अंदर हम लोग उस बात को गौर से समझें कि समाज को, हमारे समाज को कमज़ोर करने के लिए जो आरएसएस की विचारधारा है, उसका क्या प्रयास चल रहा है, उसकी क्या मंशा है, और क्या षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत जो काम किया जा रहा है, वो उसके बारे में आप सब लोगों को जानकारी, तभी आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जाटव साहब, जय भगवान जी, तो मेरे बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे फादर साहब के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। मैं तो शायद बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब से मैं आपको देख रहा हूँ सक्रिय भूमिका के अंदर। उधर जसराम हरनौटिया जी बैठे हैं, नवल भाई हमारे साथ में बैठे हैं, बहुत सारे साथियों को मैं नामों से परिचित हूँ, चेहरे से परिचित हूँ, लेकिन मैं छोटा सा एक अपनी शिकायत भी करना चाहूँगा कि आप भी इस मीटिंग का तो आयोजन कर रहे हैं, माफी चाहता हूँ, लेकिन आरएसएस के एजेंडे के तहत या उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर आप भी अपनी बात कह रहे हैं। मेरा जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया गया, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं दलित समाज से संबंध रखता हूँ, और उस समाज से संबंध रखता हूँ जिसके अधिकार के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। अगर आरएसएस ये चाहती है कि डिवाइड एंड रूल करके राज करे, दलित समाज के अंदर भी अगर हम ये कहकर उंगलियां उठाकर बताएंगे कि ये जाटव है, ये वाल्मीकि है, ये ध्यानक है, ये रैगड़ है, तो मैं माफी चाहता हूँ, ये समाज कभी इकट्ठा नहीं हो सकता और हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते। अगर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर के ऊपर एक अटैक हुआ, आपने उसकी बात की, मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन आज उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता भी है। मैं उसके ऊपर बताना चाहता हूँ कि मैंने अगर उसके ऊपर एक कदम उठाया, आगे कदम बढ़ाया, तो ये सोचकर नहीं उठाया कि मैं किस जाति से संबंध रखता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे दलित समाज के ऊपर एक सीधा सीधा सा एक अटैक है, एक चोट है, कुठाराघात है, और वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है कि उन्होंने चेक किया इंजेक्शन लगा के कि आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा, और वो रिएक्शन, अगर मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई उसके ऊपर क्लैपिंग नहीं चाहिए, माफी चाहता हूं, और कोई शाबाशी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं उस दिन रात को 1:30 बजे तक उन विभिन्न जगहों पर घूमता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यहां पर हमारा कल सुबह का प्रोटेस्ट किसी भी मायने में फेल ना हो जाए। पंजाब के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब में मुझे इंचार्ज बना के भेजा गया था, उससे पहले मैं बिहार का इंचार्ज था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी इंचार्ज, और उससे पहले मैं पंजाब में था। पंजाब में क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर जो 34 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मैंने हर विधायक को कॉन्टेक्ट किया और मैंने उसको बोला कि इस प्रोटेस्ट के अंदर आप लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि ये जो आरएसएस का जो एक अटैक है, उन्होंने जो हमारी आस्था का केंद्र था गुरु रविदास जी का मंदिर, वो कोई
50 साल पुराना, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना मंदिर नहीं था, वो 600 साल पुराने इतिहास के साथ में जुड़ा हुआ वो मंदिर था। उसको सीधा सीधा सा तोड़ने का काम जो किया वो चेक था, टेस्ट था, लिटमस टेस्ट था आरएसएस का, बीजेपी का, कि इसमें चेक करो कि इसके अंदर इन लोगों में करंट कितना। और मैं इस मंच के माध्यम से, आप लोगों की इस मीटिंग के माध्यम से मैं शाबाशी देना चाहता हूँ उन तमाम उन साथियों को जिन्होंने उसके अंदर, क्योंकि मैंने वन टू वन लोगों से बात की। एक लड़का मुझे मिला, वो लड़का उस कार्यक्रम में, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए इसलिए आया हुआ था क्योंकि उसको लगा उसकी बहन की शादी थी, उसकी बहन की शादी थी। तो मैंने बोला आप क्यों आए, आपको नहीं आना चाहिए था। बोले कि भाई साहब मुझसे रुका नहीं गया और मैं, मुझे लगा कि इस प्रोटेस्ट के अंदर मुझको शामिल होना चाहिए। मेरे को दिल में यहाँ पे लगा कि इसका मतलब हमारे नौजवानों में, हमारे समाज में अभी करंट है, जागरूकता है और एकता है। तो वहाँ पर हमें, मैं इस चीज़ को यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब लोगों को ये जो एक बीच में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसको ख़त्म करने का प्रयास करना है। और यहाँ पर कोशिश करें कि सभी जो इस तरीके से जो अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं दलित समाज के अंदर, उन सब लोगों को इकट्ठा करके जो भी काम करें उन सब लोगों को इकट्ठा करें और देखिए कौन लोग एक्टिव, उनको आगे लेकर आए आप, और हम सब लोग एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएंगे। आज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी की बात है लेकिन वो खुशी अभी अधूरी है। रविदास जी के मंदिर के लिए कोर्ट ने ये तो कह दिया कि आप मंदिर वहीं पर बना सकते हैं, एक हमारी जीत हुई है। किसका मतलब, इसका मतलब ये तो हो गया, ये तो हो गया कि उन्होंने माना। मैंने कंटेंप्ट फाइल किया था डीडीए के खिलाफ और ये कहा था कि डीडीए के खिलाफ कंटेंप्ट इसलिए होना चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ सजा इसलिए मिलनी चाहिए कि उन्होंने जो कोर्ट का ऑर्डर था उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा और उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उस मंदिर को तोड़ा। कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा था कि मंदिर तोड़ा जाए, कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा था गुरु रविदास जी की मूर्ति को हटा दिया जाए, कोर्ट के ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा था कि उस सरोवर को तोड़ दिया जाए, गेट को सील कर दिया जाए। अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अगर उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा है तो सीधे तौर के ऊपर वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया गया है, क्योंकि नादानी में नहीं टूट सकता। मंदिर तोड़ना, मूर्ति उठा के ले जाना, उस सरोवर को तोड़ना, मतलब पूरा ध्वस्त कर दिया। तो अगर तो वहां पर मुझे बुलाया गया, मुझे कई अधिकारियों ने बुलाया, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया, सब लोगों को बताया, तो मुझसे बोला कि बैठकर आप बातचीत कर लें और हम मंदिर वहां पे बनाने के लिए अलाउ करते हैं। हमने बोला ना, हमें तो वहां पे मंदिर पूरी उस जगह पे बनाना है जो गुरु रविदास जी छोड़कर गए थे। हमको 20x20 के कमरे में, वो भी पोर्टा के बिल, वो भी लकड़ी के कमरे में, मतलब किसी गार्ड को बिठाना आपको 20x20 के कमरे में हम अपने भगवान को बैठा लें। एक तरफ तुम अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने की बात करते हो जिसमें 500 करोड़ का खर्चा का 500 करोड़ का बजट लगाने की बात करते हो, और दूसरी तरफ ये गरीबों का मंदिर है, शोषितों का मंदिर है, दलितों का मंदिर है, तो आप उसके ऊपर इस तरीके से हमारी इंसल्ट करेंगे। तो हमने अभी मंडे को फिर दोबारा से, तारीख है, और मंडे को हमने फिर प्रोटेस्ट किया, कल भी प्रोटेस्ट किया, अभी मंडे को फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है उसके सामने भी। लेकिन एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट पे थोड़ा एलैबोरेट करके बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बर्निंग इशू है और सब लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कुछ 5 एडवोकेट्स ने, जुडिशरी से जुड़े हुए नवल साहब समझेंगे, AOR के सिग्नेचर हुए हैं उसके ऊपर, जिन्होंने एग्री किया है कि 20x20 के मंदिर में आप रविदास जी की मूर्ति को रख दीजिए, 200 गज के दायरे के अंदर आप फेंसिंग करके हमको दे दीजिए, वी एग्री फॉर दैट। मैंने अपने वकील को बात किया, सलमान खुर्शीद साहब हमारे एक वकील हैं, दूसरे सिंघवी साहब हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक और साहब है, मैं नाम भूल रहा हूँ, विकास सिंह, एक विकास सिंह सीनियर लॉयर हैं।
तो मेरी उनसे बातचीत हुई, आज भी मीटिंग थी, भी मैं मीटिंग जहाँ लेट हुआ मीटिंग से आ रहा हूँ, तो उनसे बात हुई। मैंने कहा इन लोगों के नाम बताएं कौन कौन लोग हैं। अब जानकारी ये मिली कि एक संत कुलवंत राम हैं, जिन्हों की एक अलग से पटिशन फाइल हुई, हमारी पटिशन से अलग, और उस पटिशन के ऊपर वो जो उनके एडवोकेट्स हैं उनके सिग्नेचर्स हैं 5, और गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया, कोर्ट एग्री कर रही है कि ये आप लोगों की सहमति है। हमने बोला हमारी तो प्रोटेस्ट है, ओरिजिनल रिट पटिशनर्स तो हम लोग हैं, उसके अंदर इम्प्लीटमेंट मोशन मैंने डाला, हमारे और साथियों ने डाला। तो मेरा कहने का मकसद है कि अगेन उसके अंदर जब उसकी तहकीकात निकाली तो पता चला कि वो जो एडवोकेट्स हैं वो तो बीजेपी के एडवोकेट्स हैं। तो इस देखिए, फिर देखिए, मतलब हमारे को समाज में भी ये हालत, हमारे को क्या कर रहे हैं, हमारे को दिखा रहे हैं कि हम आपको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वो सही मायनों में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इंसल्ट है पूरे समाज की। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि इस लड़ाई को, और देखिए जब एक तरफ ये हुआ था तो दूसरी तरफ मोहन भागवत ने क्या कहा, उन्होंने रिजर्वेशन के ऊपर रिव्यू के लिए बात की। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके अंदर हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आपने मुझे, मैं अंकल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, कल मुझे फ़ोन पे बताया कि मुझे यहाँ पर आना है, मैं यहाँ पर आया, आप सब लोगों से मुलाकात हुई, अच्छा लगा, और आप सब, हम सब लोग मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा, देखिए ये राजनीति से ऊपर उठ गया, मैं किसी एक पार्टी से संबंध रख सकता हूँ, लेकिन राजनीति में मेरा पद, मेरा कद, मेरा वजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब समाज की बात है तो वहाँ पर मैं आप लोगों के पीछे चल सकता हूँ। कहीं पर मैं लीड करता हूँ वो राजनीतिक दायरा है मेरा, लेकिन जहाँ पे सामाजिक बात आती है तो वहाँ पर आप सब लोग साथ चलिए, हम सब आपके साथ में, और यहाँ पर सब लोगों का पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके हम लोगों को यहाँ पे सामाजिक मंच के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। एक और निवेदन ये करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति जिस पार्टी में भी है, जो बाबा साहब का सीधा सीधा सा एक उद्देश्य था कि राजनीति में आए बगैर, विधानसभा में जाए बगैर, लोकसभा में जाए बगैर, पार्लियामेंट में घुसे बगैर हम लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उसके लिए हमारे को सुनिश्चित करना होगा। जैसे अभी एक मेरे भाई यहाँ पर बोल रहे थे, इतनी कहाँ चले गए अभी, वो उन्होंने जिस तरीके से कहा किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो उसको हमारे को अपना समर्थन देना चाहिए सामाजिक रूप से, ताकि एक्सेप्ट ऑफकोर्स वी हैव टू डिसाइड कि वेयर आवर सपोर्ट हैज टू गो। अब हमारे को उसमें डिसाइड करना है कि हमारे को सपोर्ट किसको करना है, जो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलना चाहता है, जो बाबा साहब के संविधान को की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हमारे साथ खड़ा हो सकता है, हमें उसका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।